हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्जांपल नंबर 9.9। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ लेंस। The first lens is having the focal length of plus 10 centimeter. Let me write by another pen. F is equal to plus 10 centimeter. This focal length is F is equal to minus 10 centimeter, and this focal length F is equal to plus 30 centimeter. Object is placed over here. This is the object, and object is placed from 30 centimeter from the first lens. It is placed at the distance of 30 centimeter from the first lens. The distance between the lenses is given by 5 centimeter, and this distance is 10 centimeter. Okay, what we need to find the position of image formed by the lens combination। यहां पे हमें final image कहां मिलेगी ये हमें find करना है, ठीक है। So यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले ये जो first lens है, ये first lens object की image बनाएगा। So image formed by फर्स्ट लेंस, पहला लेंस जो है वो इमेज बनाएगा। तो उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला लिखते हैं कि भी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब पहला लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें प्लस 10, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो यहां पे हो जाएगा माइनस 30, ठीक है। सो 1 by 10 is equal to 1 by v plus 1 by 30. अब ये 1 by 30 को लेते हैं लेफ्ट में, सो क्या हो जाएगा 1 by 10 minus 1 by 30 is equal to 1 by v. 30 को ऊपर ले लो, minus 10 by 30 into 10 is equal to 1 upon v. So, यहां पे 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा 20 बाय 300 इज इक्वल टू 1 बाय वी। दैट मींस इसको सॉल्व करते हैं, वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 300 बाय 20, दैट मींस वी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो पहला लेंस जो है वो पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस हमें मिल गया, कितना है प्लस 15 सेंटीमीटर। तो प्लस मींस ये जो इमेज है वो हमारे लेंस के राइट हैंड साइड पे बनेगी, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव मींस द डिस्टेंस इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। तो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। अब ये लेंस से 15 गिनो तो 5 ये और 10 ये, तो ये टोटल हो गया 15, मतलब इमेज यहीं पे कहीं पे बनेगी। ये क्या है उसकी इमेज। अब ये इमेज है, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस नंबर 1, बट सेकेंड नंबर का जो लेंस है वो इसको कंसीडर करेगा ऑब्जेक्ट। वो इसको क्या कंसीडर करेगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, देखो अब यहां पे लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय सेकेंड लेंस, ठीक है। चलो तो देखो क्या होगा इसमें, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू।
अब सेकेंड लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें दे रखी है -10, सो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v। सेकेंड लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा वो हमें फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस v, -1/u। अब सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ये, है ना, तो सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर, और ये राइट हैंड साइड पे है तो यहाँ पे हम लिखेंगे +10। क्या लिखेंगे यहाँ पे, +10, ठीक है। सो -1/10 इज इक्वल टू 1/v -1/10। सो वी विल हैव ये -1/10 ऐसे, और इसको ले लो तुम राइट में, तो ये हो जाएगा -1/10 +1/10 इज इक्वल टू 1/v। सो ये हो जाएगा 0, सो 0 इज इक्वल टू 1/v, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 1/0, दैट मीन्स v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब कि ये जो लेंस है, ये लेंस इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करके इसकी फाइनल इमेज देगा कहाँ, यहाँ पे, यहां पे कहीं पे इनफाइनाइट पे, है ना, वो यहीं पे कहीं पे इनफाइनाइट पे ये इमेज देगा, ठीक है। तो ये है इमेज, किसने बनाई, ये लेंस ने। अब थर्ड लेंस इस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। सो फॉर थर्ड लेंस, अब थर्ड लेंस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। सो फॉर थर्ड लेंस दिस इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कहां पे है ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। चलो तो यहां पे हमें रूल पता है, 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को मैंने बोला था कि आपको उसको थोड़ा एनालिसिस करना है, तो उसमें लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसमें से जो रेज आती है वो पैरेलल होती है, और पैरेलल रेज कहां पे मिलती है, एफ पे। मतलब ये लेंस इसकी इमेज बनाएगा यहां पे, कितने डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे, और इसका फोकल लेंथ है 30। सो फाइनली हमें इमेज कहाँ मिलेगी ये तीनों के फाइनल कॉम्बिनेशन की, सो द कॉम्बिनेशन विल गिव अस अ फाइनल इमेज एट हियर राइट हैंड साइड ऑन द लास्ट लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लास्ट लेंस, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगी। सो थर्ड लेंस दिस इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो दिस इमेज उसके लिए तो ऑब्जेक्ट, सो इमेज विल बी एट 30 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। चलो तो यहां पे हमारा एग्जाम्पल 9.9 भी कंप्लीट हुआ है। 9.9 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो अब देखो प्रिज्म जो है वो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें से 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो 110% आता ही आता है हर बार, प्रिज्म। या तो प्रिज्म की थ्योरी 3 मार्क्स पे पूछते हैं, या तो प्रिज्म की थ्योरी 4 मार्क्स पे पूछते हैं, या फिर प्रिज्म का न्यूमेरिकल 3 या 4 मार्क्स पे पूछते हैं, बट प्रिज्म डेफिनेटली हर बार आता है एंड आता ही है, ठीक है। चलो सो इसको हम अच्छे से समझेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। Pay attention. Let's draw the prism. और यहां पे हम थोड़ा बड़ा प्रिज्म ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है। चलो ये है प्रिज्म, प्रिज्म ए बी एंड सी। चलो नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट रे, और ये क्या है नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ द प्लेन ए बी। ठीक है, चलो अब बाहर का मीडियम कौन सा है, सपोज ये बाहर का मीडियम जो है वो एयर है, कौन सा है बाहर का मीडियम एयर, मतलब कि वो रेयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज होगा एन वन, जो कि अभी तो वन ही होगा है ना, बाहर जनरली एयर होता है और मान लेते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वन। प्रिज्म जो है ग्लास से बना हुआ होता है, सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास जो है वो एयर की कंपैरिजन में डेंस होता है, एंड लेट से कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एन टू। अब हमारी जो रे है ये रे एक्चुअली में कहाँ जा रही है, ये डायरेक्शन में हमने रे को भेजा था यहाँ पे, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, हियर आवर रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, रे कहाँ जा रहा है रेयर टू डेंस जा रहा है, और हमने थियरी में पढ़ा था कि जब रे रेयर टू डेंस में जाता है तो वो कहाँ पे शिफ्ट करता है, सो इट इज ऑलवेज शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमारे रे को यहाँ सीधा जाना था बट वो शिफ्ट कर लेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रहा हमारा नॉर्मल, तो वो नॉर्मल पे आ जाएगा, यहाँ जाने की वजह थोड़ा नॉर्मल की साइड आ जाएगा, तो वो रे ऐसे ट्रैवल करेगा ऐसे। ठीक है, चलो सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अवर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, जिसको हम आर वन बोलेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, और रे को भेजा था यहां पे लेकिन वो निकला यहां से, मतलब हमारे रे ने डेविएशन कर दिया, कितना डेविएशन किया, यहां पे भेजा था और ऐसे चला गया, तो ये जो है वो हमारा पहला फर्स्ट डेविएशन है डेल्टा वन। ठीक है, बुक में ये नहीं दिया हुआ है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ सरफेस एसी, क्या करेंगे हम एसी सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब रे जो है वो डेंस से वापस कहां जाएगी, रेयर में, सो डेंस से रेयर में जाती है तो रे कैसे डेविएट करते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर रे डेंस से रेयर में जाती है तो हमारी रे डेविएट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो हमारा जो रे है वो ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल एंगल ई, वेर ई एज एमर्जेंट एंगल, फाइनली रे जहां से बाहर निकलता है वो एंगल, जिसको बोलते हैं एमर्जेंट एंगल ई, इसको हम बोल देते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल, और इसको बोल देते हैं हम सेकंड डेविएशन एंगल। एक्चुअली में तो ये जो रे है ये रे हमारी एसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल लिखा है, क्यों ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि इसको आर टू और इसको डेल्टा टू लिखने के पीछे भी एक रीजन है। सो हमने रे को कहाँ पे कौन सी डिरेक्शन में इंसिडेंट किया था, हमने रे को ये डिरेक्शन में इंसिडेंट किया था,
लेकिन रे बाहर कहां से निकला, ये डिरेक्शन से। तो इसको अब ले लेते हैं ऐसे, समझ में आया? देखो ये क्या फाइंड किया हमने, रे को भेजा था यहां पे, लेकिन वो बाहर निकली यहां से, है ना। तो ये जो एंगल है ये हमारा हो गया टोटल डेविएशन, कि रे को ऐसे भेजा था लेकिन वो ये डायरेक्शन से बाहर निकला। सो एक्चुअल डायरेक्शन और बाहर निकलने के डायरेक्शन के बीच में डेविएशन, इतना डेविएट हो गया हमारा एंगल टोटल। चलो तो ये आपको अच्छे से इतना डायग्राम तो सॉल्व करना समझना ही पड़ेगा। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज कि ये है हमारा M, ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं N। ठीक है, चलो अब यहां पे हम थियोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं Q, और ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं R। सो इन स्क्वायर ए क्यू एन आर, अब कोई भी स्क्वायर होता है उसके स्क्वायर में चार एंगल होते हैं और चारों एंगल का एडिशन होता है 360। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए, ए क्यू एन आर दिखा ना, ये ए क्यू एन और आर, ये वाला। सो एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल एन प्लस एंगल ए आर एन, चार एंगल हो गए ना, ये और ये, चार एंगल हो गए। इन सभी का एडिशन होना चाहिए 360 डिग्री। अब ये जो है रेड लाइन वाला, वो क्या है, वो हमारा नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस और ये जो रेड लाइन है इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियसली 90। सो ए क्यू एन और ए आर एन हमारा क्या होगा, 90। सो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल एन प्लस ए आर एन 90 इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 होता है 180। 180 को ले जाओ राइट में, सो एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 360 माइनस 180। सो एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180। लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, चलो अब एक और केस देखते हैं। इसमें इन ट्राइंगल क्यू एन आर, इन ट्राइंगल क्यू एन आर, तो क्यू एन आर में क्या होता है, आर वन प्लस एंगल एन प्लस आर टू इज इक्वल टू ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 180। सो एंगल ये देखो, ये हमारा पहला एंगल, हमारा क्यू एन आर कहाँ है, ये रहा क्यू एन आर। तो आर वन प्लस एंगल एन प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या होता है, 180। लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। एंड वी कैन से कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू की राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू आर वन प्लस एंगल एन प्लस आर टू। सो एंगल एन, एंगल एन गेट्स कैंसल्स, सो एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। एंगल ए को हम डायरेक्टली सिर्फ ए ही लिख देंगे। ये ए क्या है, ये एंगल ए ये है, यहाँ पे ए को हम बोलेंगे प्रिज्म एंगल। ये मैं बताना भूल गया, हर प्रिज्म का एक प्रिज्म एंगल होता है, ये ऊपर वाला जो एंगल होता है ना उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म, यहाँ पे ये किस में बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे, ये थ्योरी में जितने भी इंपॉर्टेंट और याद रखने के फॉर्मूला है वो ये है। पहला IMP, कि A इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो ये एम क्यू आर ट्राइंगल, देखो ऊपर का एम क्यू आर, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल
एम क्यू आर, ये एम क्यू आर वाला जो ट्राइंगल है उसमें ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। तो मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों के अंदर के दोनों के एंगल के एडिशन जितना। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम बॉक्स बना के रख देते हैं साइड में। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, ये एंगल और ये यहां पे क्रॉस बन रहा है। हमने टेंथ में पढ़ा था कि ये जब भी क्रॉस बनते हैं तो ये और ये एंगल सेम होते हैं। तो यहां पे क्रॉस ये रहा और एक क्रॉस ये रहा, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल सेम होना चाहिए, ये और ये। दैट मीन्स आई और डेल्टा वन प्लस आर वन सेम होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि हियर आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन। तो इसके ऊपर से हम डेल्टा वन फाइंड करेंगे। डेल्टा वन क्या होता है, आई माइनस आर वन। डेल्टा वन क्या होता है, आई माइनस आर वन। इसमें डेल्टा वन को सब्जेक्ट बनाओ। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये डेल्टा वन में हमें इसकी वैल्यू डालनी है। अब डेल्टा टू भी फाइंड करेंगे। यहां पे ये क्रॉस बनाए यहां पे, तो ई और डेल्टा टू आर टू। सो हियर ई इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू, है ना, क्योंकि अगेन यहां पे क्रॉस बनाए। तो यहां पे डेल्टा टू को सब्जेक्ट बनाओ, डेल्टा टू इज इक्वल टू ई माइनस आर टू। अब ये डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों की वैल्यू रखेंगे यहां पे। इसको सपोज बोल देते हैं कि इक्वेशन नंबर थ्री बोल दो। पुट वैल्यूज ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन की जगह रखो आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। ठीक है, डेल्टा वन की जगह ये वैल्यू डाल दी, डेल्टा टू की जगह ये वैल्यू डाल दी। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, इन दोनों को साथ में रखो, माइनस आर वन माइनस आर टू। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो। सो माइनस कॉमन निकलेगा तो आर वन प्लस आर टू। बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आर वन प्लस आर टू क्या होता है, ए प्रिज्म एंगल। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ये आर वन प्लस आर टू की जगह हमने क्या डाल दिया, ए फ्रॉम दिस इक्वेशन। मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, है ना। अब देखो यहां पे क्या होगा, हमने ये थियरी कितनी देखी है, अभी आधी ही देखी है। एज यू कैन सी कि भाई प्रिज्म वाली थियरी यहां से स्टार्ट होती है, एक पैराग्राफ इतना है छोटा, इतना ही अभी हमने देखा है। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यहीं तक हमने देखा है। ये थियरी अभी बहुत लंबी है, इसमें टाइम लगेगा। तो एग्जाम में कितनी थियोरी आती है, सो देखो एग्जाम में है ना, ये थियोरी के दो पार्ट होते हैं। एक ऐसा पूछते हैं कि बाय यूजिंग द प्रिज्म डिराइव द प्रिज्म फॉर्मूला, तो उसमें आपको यहां तक लिखना है। अगेन आपको सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट रहे है, ये रहे है, वो सबका डिस्क्रिप्शन यहां पर आपको ये यहां पर दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, चलो वर्ड्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, कुछ भी करके वर्ड्स लिखने हैं। एक और बात, ये प्रिज्म एंगल को कुछ कुछ रेफरेंस बुक में ऐसा भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं और
ये भी बोलते हैं डिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये याद रखना, कुछ रेफरेंस बुक में ये लिखते हैं, कुछ में ये लिखते हैं। सो ये थ्योरी जो है वो दो पार्ट में एग्जाम में आती है, एक डिराइव द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करो तो उसमें आपको ये सब लिखना है विथ वर्ड्स, और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो उसमें वो दूसरा पार्ट आएगा। इफ यू आर लकी तो ये आधी थियरी ही चार मार्क्स में आ जाएगी। चार मार्क्स का क्वेश्चन हमारे गुजरात बोर्ड में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उससे बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर थोड़ा लक खराब रहा तो पूरी की पूरी थियोरी चार मार्क्स में आती है, या फिर बाकी का पार्ट भी आता है कि एक्सेप्ट द प्रिज्म फॉर्मूला एंड डिराइव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब इसका दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट, इसको एक्सेप्ट कर लेना है और बाकी का करना है। बट ये एक्सेप्ट वाला बहुत कम एग्जाम में आता है, या तो आएगा तो 90% केस में यही आता है डिराइव द प्रिज्म फॉर्मूला, यहां तक चार मार्क्स में। बाकी के 5% चांसेस है कि इसको एक्सेप्ट करके बाकी का नीचे का लिखो चार मार्क्स में, और बहुत खराब कंडीशन रही तो पूरी की पूरी थियरी चार मार्क्स पे वो लोग पूछते हैं। अब इसके बाद वाली जो थियरी है वो बहुत लेंथी है, एंड ऑब्वियसली इतने कम टाइम में वो पॉसिबल नहीं होगा। सो आपको क्या करना है कि ये थियरी को आज ही, जब भी तुमने पढ़ा है आज के आज ही इसको अच्छे से लिखना है, डायग्राम वेट नहीं करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ आपको भी स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है, वरना ऐसे बैठे बैठे आराम से देखोगे और फिर अपने आप ये सब ड्रॉ करने जाओगे कुछ नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप पहले प्रिज्म ड्रॉ करना है, फिर मैंने कैसे एक्सप्लेन किया कि ये हमारा इंसिडेंट रे है तो तुम्हें भी पैरेलल में उसके साथ इंसिडेंट रे ड्रॉ करना है, फिर लिखना कि ये हमारा नॉर्मल है तो तुम्हें भी यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, फिर देखना कि रे जो है वो रेड से डेंस में जा रहा है तो ऐसे डेविएट होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप तुमको भी पैरेलल में मेरे वीडियो के साथ साथ ड्रॉ करना है तो ही ये डायग्राम होगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि ऐसे ही आप बैठ के कॉपी मार्क कर लो और एग्जाम में हो जाएगा, नहीं होगा। और ये डेफिनेटली आएगा आएगा आएगा, एंड प्रिज्म का चार मार्क्स का, तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइटली, इसको वर्ड, अच्छा पैराग्राफ्स भी लिखना अभी होमवर्क में, पैराग्राफ में लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो और फॉर्मूला को डिराइव करो। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स।